मैनू माफ करो असी लोग दुनियावी तौर ते गुरु नू भी रब नू खड़ौना मन के बैठ पातशाह ने जो कैसी लोगन राम खिलौना जन्ना एक गल आज भी वर्त रही। मैं एक स्थान ते दिल्ली रोड ते कथा करन गया उस गुरुद्वारे गए तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्थान बड़ा सोहना बनाया। साह संगत जदों महाराज जी नू नमस्कार कीते ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਈਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ 20-20 ਰੁਪਏ ਦੇ 30-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। मैं वो प्रबंधकों को कहा ये खड़ौने क्यों मोहरे रखे ने ये कित्थों दी मर्यादा इत्थे शस्त्र सजाओ कोई फुल्लां दे गुलदस्ते रखो वो शोभा दिंदे ने शस्त्र सजाउणे मर्यादा है पर ये 20-20 रुपए दे जहाज गड्डियां क्यों ये खड़ौने कदे वास्ते। वो प्रबंधक कहिंदे भाई साहब जी इन्हां नूं खड़ौने ना कहो। मैं उन्हां कहा फिर कहिंदे शायद तुहानूं पता नहीं जेड़ा इत्थे जहाज लैके चढ़ाउंदा उहदा बाहर दा वीजा लगदा हद हो गई गल वाली। असी गुरु नूं वर्तन किवें लाउ जेडे गुरु दे कोल 20-30 रुपए दा जहाज चढ़ाया उस गुरु नूं पता नहीं कि इन्हें बाहरों 30 रुपया दा खरीद के चढ़ाया। आपां गुरु नूं मन के की बह गए साध संगत असी गुरु नूं भी खड़ौना मन कि गुरु नूं किहड़ा पता कदे मन च विचार करियो जे तुहाडा 30 रुपए दा खरीद के चढ़ाया होया जहाज ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 5-5 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 50 ਚੜਾਦਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं सा संगत जे खाली वह जहाज 20-30 रुपए का चढ़ाने वीजे लगते हो फिर इंस्टीट्यूट खोलन की लड़ नहीं फिर बच्चों आईलैस कराने की जरूरत नहीं फिर 20-20 लाख रुपया चुकन की जरूरत नहीं। इस गल का गुस्सा ना करो सा संगत ये सच है। असी इन्ने भरमां में जीन लग पाए अज तुम बोर्ड ला के बाहर रौला पा दो कि वीरवार इतने मत्था टेकन पुत दुध दियां दातां मिलदियां इतने वीरवार छोले चढ़ाने आ कुछ मिलता है। माफ करो तुहानू पार्किंग नहीं लभेगी इन्नी दुनिया मत्ते वाल पहुंच जाएगी गुस्ताखी माफ लोग 2-2 जिले तो आने लग पैणगे उत्थे दुध चढ़ाने आ कुछ हो उत्थे आ कुछ करने हों। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सानू भरमां चो कढ़िया सीधी गल कही सिखा जे तू सुख चाहुंदा है तैनू लिख के देता के सिमरो सिमर सिमर सुख पाव। पर सब तो औखा काम है ना सिमरन करना बाणी पढ़नी औखा काम सेवा करनी औखा काम सौखा काम लभदे जिहड़ा सौखा मिल जाए। पातशाह ने कहा सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन महे मिटावो सिमरो जास बिसंबरे कै नाम जपदिया गणत नेक। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने बचन कहे दो पौड़ियों में दोहरा के लिखे सिखा जदों गुरु को मंगण आ पदार्थ भी मंग पुत्र धियां चाहिए ने मंग तैनू गुरु ने मंगण तो रोकया नहीं तेरा कोई कार्ज होवे लोड़ींदा होवे गुरु अगे अरदास करी जा पूरा करना गुरु की जिम्मेवारी तू भावना ते विश्वास नाल अरदास कर कितना लोड़ी है काम सो हर पे अखी है कारज दे सवार सतगुर सच सखी काम लोड़ींदा होवे ते अरदास कर। पर पदार्थ मंगण वालिया सारी उम्र पदार्थ ना मंगी जा सारी उम्र पुत्तां धीआं दे सुख ना मंगी जे ए मानस जन्म सफल करना है फिर पदार्थ मंगण वालिया जपजी साहिब पढ़ने दो बार गुरु ने दोहरा के कहे गुरु को अकल मंगया कर केड़ी जेड़ी अकल विच तैनू पदार्थों विच रहिंदिया परमात्मा दा नाम ना मिसरे ओ अकल मंग जेड़ी मत विच संसार विच रहिंदिया निरंकार ना पुल्ले
ਉਹ ਮਤ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰ ਬੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਬੁਝਾਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਕਲ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਆਖੋ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਆਖੋ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਾ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੱਤ ਅਕਲ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ